कोलकाता खजुराहो लोकसभा में नामांकन का दौर शुरू। कांग्रेस समाजवादी प्रत्याशियों ने भरा नामांकन पर्चा। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हुए रैली में शामिल। पन्ना की सड़कें चार पहिया वाहनों से हुई जाम। खजुराहो लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बीडी शर्मा पहुंचे पन्ना, भाजपा का स्वागत। वहीं कटनी छतरपुर में हो रहा विरोध। पन्ना में खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से नामांकन का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेसी प्रत्याशी कविता सिंह ने हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पन्ना कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन पत्र भरा और कहा कि खजुराहो लोकसभा क्षेत्र कटनी पन्ना खजुराहो में विकास के लिए हम लड़ रहे हैं। जो कार्य भाजपा के लोग नहीं कर पाए वह सब कार्य हम लोग कर दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी से नामांकन भरने आए यूपी के कद्दावर नेता वीर सिंह पटेल ने नामांकन पत्र भरा और कहा कि समाजवादी पार्टी बहुजन के साथ गठबंधन में मुझे खजुराहो लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है और मैं यहां पर पानी, सड़क, बिजली, इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच वोट मांगूंगा, साथ ही विजय भी प्राप्त करूंगा। खजुराहो लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी की घोषणा होते ही छतरपुर कटनी में भाजपा प्रत्याशी का विरोध दिख रहा है। वहीं पन्ना आए खजुराहो लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी बीडी शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। पन्ना में आते ही भाजपा के प्रत्याशी बीडी शर्मा ने पन्ना के जुगल किशोर भगवान के दर्शन किए। बहुत सुनिश्चित है जुगल किशोर महाराज के आशीर्वाद के साथ, जी धन्यवाद, शारदा माई के आशीर्वाद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और हम सुनिश्चित जीतेंगे और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य की हालत खराब है पन्ना जिले में, बिल्कुल इसको लेकर के भी बहुत अच्छा काम करेंगे और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर इस क्षेत्र को विकास में पूरे मध्य प्रदेश नहीं भारत के नक्शे पर ला करके खड़ा करेंगे। मैंने आज नामांकन दाखिल किया है और मुझे अपने लोगों पर, अपने कार्यकर्ता, अपने कांग्रेस परिवार पर, साथ ही मैं यहाँ की बेटी भी हूँ तो मुझे अपनों पर पूरा भरोसा है कि मैं आगे निकलूँ। प्रत्याशी उतार दिया है, क्या कहेंगे, कितनी टक्कर होगी चुनाव में? बिल्कुल, भाजपा ने प्रत्याशी उतार दिया, वो तो उतारना ही था उसमें, और मैं अपना काम कर रही हूँ, जनादेश जो होगा आप लोगों को जानकारी। कविता जी, परिवारवाद का आरोप लग रहा है घर से विधायकों पर, सांसद क्या कहेंगे इस पर? देखिए, परिवारवाद का जहां तक आप बात करते हैं तो आपको जानकारी मैं दे दूं, मैं खुद भी नगर परिषद अध्यक्ष हूं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। और मुझे जो टिकट दी गई है, मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने, साथ ही लोगों ने ये कहा है कि मुझे टिकट दी जाए। आपका विजन क्या होगा, क्या करेंगे इस क्षेत्र में, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? पहला जो मेरा मुद्दा होगा, इतने सालों से यहाँ पर विगत पाँच सालों से भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार ने जो भ्रष्टाचार किए हैं, मेरा पहला मुद्दा वो होगा। आज किसान बदहाल है, आज नौजवान बदहाल है, आज महिलाओं की देखें तो सुरक्षा की दृष्टि से उन पर कुछ भी ऐसी योजनाएं नहीं बनाई गई हैं। साथ ही मैं यहाँ क्षेत्र में गई हूँ तो किसानों के लिए यहाँ की जो सर्वप्रथम जो आवश्यकता है वो है नहरों का जाल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर किसान हैं। मेरा जो खजुराहो क्षेत्र है वहाँ पर मैं पर्यटन के लिए, फ्लाइट के लिए कर रही हूँ कि वहाँ पर कनेक्टिविटी का बढ़ावा मिले। कटनी जो क्षेत्र है वहाँ पर व्यापारी हैं तो उन सब के लिए साथ में खड़ी हूँ। लोकल और बाहरी होने का क्या कोई आपको फायदा दिख रहा है? बिल्कुल, इस चीज़ में मैं कहूँगी, क्योंकि जब लोकल का प्रत्याशी होता है तो वो लोगों के साथ उसका एक जुड़ाव होता है, साथ ही वो जो वहाँ की जो समस्याएं होती हैं उसको, उससे अवगत होता है। जो लोकल का प्रत्याशी होता है उसको सारी जानकारियाँ होती है। क्या रिजल्ट बताइए, आपके क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में विकास मुद्दा होगा, रोजगार मुद्दा होगा और जो भी विकास यहाँ नहीं हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जैसे उत्तर प्रदेश में विकास किया है, जो काम किया है वही विकास मध्य प्रदेश में भी होंगे। बीजेपी का गढ़ माना जाता है वीर सिंह जी, यह है पन्ना और खजुराहो लोकसभा सीट खासतौर पर, कैसे निपटेंगे इससे, कैसे यहाँ गढ़ को किला को जो ध्वस्त करेंगे? देखिए, गठबंधन के पास इतना वोट है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, इस गठबंधन में जो है गठबंधन की जीत होगी, खजुराहो लोकसभा से गठबंधन चुनाव जीतेगा। आप बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं, ददुआ त्रिशूल पुत्र हैं आप। देखिए, मैं कोई बाहुबली नहीं हूँ और कोई न दस्यु है न कोई ददुआ है। अब मैं तो 2007 में घटना के बाद 2012 से चित्रकूट से भी विधायक रहा, तब वो नहीं रहे, और कोई बाहुबली
ऐसी स्थिति रही हो, देखने को मिली हो तो आप बताइए। बुंदेलखंड हमेशा दस्यु प्रभावित रहा है और आपके पिता दस्यु रहे हैं, ददुआ के नाम से जाने जाते थे, आप उनके पुत्र हैं, तो क्या आपका बाहुबल यहाँ नहीं दिखेगा? देखिए, जो इस दुनिया में नहीं है उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं। और हम समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने मुझे भेजा है, मैं उनके नीतियों पे और बहन कुमारी मायावती जी के उस पे मैं चुनाव लड़ूंगा। डकैतों से छुटकारा दिलवाएंगे बुंदेलखंड?